मैडम आपका ईएमआई बाउंस हो गया है, मैं बजाज फाइनेंस की तरफ से आया हूँ। बाउंस? अब क्या अमाउंट है, कितने अमाउंट का बाउंस हुआ है? मैडम 5,999 रुपये। 5,999 रुपये? जी मैम। अच्छा, इतना बड़ा अमाउंट। अब मैं काम करती हूँ, कॉल करके पूछ लेती हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। जी मैम, आपके हस्बैंड ने फ्रिज लिया था हमारी कंपनी से। फ्रिज? मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ साची, बोलो जल्दी। कपिल, घर पे ना फाइनेंस वाले आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई ईएमआई बाउंस हुई है हमारी। तुमने कोई सामान लिया था क्या जिसकी ईएमआई पेंडिंग है? ईएमआई नहीं यार, मेरे को याद तो नहीं आ रहा। अच्छा, किस चीज़ की ईएमआई है? किस चीज़ की? मैं पूछ के बताती हूँ ना किस चीज़। अच्छा हाँ, वो फ्रिज, भैया बता रहे थे कि फ्रिज की ईएमआई बाकी है। अरे यार हाँ, उसको तो भूल ही गया था यार, वो तो मैं पे करना भूल गया। अच्छा अच्छा, क्या बोलूँ मैं भैया को? कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ ना। ठीक है, मैं बोल देती हूँ कि हम ऑनलाइन पे कर देंगे। ओके बाय। भैया वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पे कर देंगे। मैडम देखिए, कंपनी वाले वैसे ही एजेंट तो भेज ही चुके हैं, तो आपको पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। तो मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, आप मुझे ही दे दो, इससे क्या है कि आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको मैं पैसे दे दूँगी तो हमें पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी? नहीं नहीं, देखिए आपने ईएमआई के पैसे मुझे दे दिए, और 100-150 रुपये में दस एक्स्ट्रा दे देना, मैं आपकी एप्लीकेशन आगे भेज दूँगा, इससे जो आपके 800-900 रुपये का पेनल्टी लगेगा वो बच जाएगा ना। इससे देखिए हमारा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा है, एक तरीके से ऊपर की कमाई, और आपका ही फ़ायदा है। अब आदमी सोचता है दो पैसे बचाने के लिए, तो अगर आप मुझे पे कर देंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा भी होता है क्या भैया कि अगर हम डायरेक्टली दे दें तो हमें पेनल्टी नहीं भरनी पड़ती? क्योंकि मैंने तो आज तक यही सुना है कि अगर ईएमआई बाउंस हो जाती है तो फिर हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है, फिर चाहे वो एजेंट भेजे या फिर डायरेक्टली कंपनी में करना पड़े। बट मैम, अगर आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दोगी तो मैं आपकी एप्लीकेशन आगे लगा दूंगा ना, इससे आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। बट भैया, मेरे पास आपको पैसे देने के लिए अभी कैश नहीं है, एक्चुअली हम लोग घर में कैश नहीं रखते। तो आप ऑनलाइन करवा दीजिए। ऑनलाइन? आपके नंबर पे? जी मेरे नंबर पे। ठीक है, मैं ना अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, एक मिनट। हेलो कपिल। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? भैया कह रहे हैं ना कि तुम उनके नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट कर दो। अरे मैं ऑनलाइन पे कर तो दूंगा। अरे मैंने उन्हें बोला कि ऑनलाइन पे कर देंगे, बट वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग उन्हें डायरेक्टली पे करेंगे ना तो हमारी जो पेनल्टी है ना वो हमें देनी नहीं पड़ेगी, वो माफ़ हो जाएगी। 800-900 रुपये वैसे भी तो हम एक्स्ट्रा देंगे ना कंपनी वालों को, तो इन्हें अमाउंट दे के रफा दफा करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या सच में पेनल्टी नहीं लगेगी अगर हम इन्हें ऑनलाइन पे करेंगे तो डायरेक्ट? हाँ। अच्छा, एक बार उनसे पूछना, वो रिसिप्ट देंगे जो हम पेमेंट करेंगे। एक मिनट मैं पूछ लेती हूँ। भैया आप रिसिप्ट तो दोगे ना जो अमाउंट हम आपको अभी ऑनलाइन पे करेंगे? हाँ मैडम, अगर आप मुझे पे कर रहे हो तो मैं रिसिप्ट क्यों नहीं दूंगा आपको, मैं अभी आपको रिसिप्ट देता हूँ। ठीक है तुम कर दो, मैं तुम्हें स्कैनर भेज देती हूँ, ठीक है भैया का, तुम उस पर पेमेंट कर देना। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम स्कैनर भेज दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा भी पेमेंट करनी है क्या इसी में? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें एक्स्ट्रा करने की। 100-200, जो 100-200 रुपये है ना वो मैं अभी दे देती हूँ भैया को, उतने तो मेरे पास कैश पड़े हुए हैं, तुम बस रेस्ट ऑफ अमाउंट दे दो जो ईएमआई का पेंडिंग है। मैं तुम्हें ना भैया का नंबर भेज रही हूँ, तुम उसी पे कर देना। ठीक है तुम स्कैनर भेजो, मैं पेमेंट करता हूँ। ठीक है भेज रही हूँ मैं। हाँ मैं स्कैनर भेज देती हूँ। ठीक है भैया, आप अपना QR कोड दिखाओगे प्लीज़? जी मैडम, मैं आपको अपना QR कोड दिखा देता हूँ। भैया मैंने अपने हस्बैंड को आपका QR कोड भेज दिया है, थोड़े टाइम में आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा, वो कर देंगे, एक दो सेकंड बस। जी मैम। हाँ मैंने कर दिया पेमेंट। डन भैया, आपका अमाउंट देख लो आप, आ गया होगा मैसेज, ये लीजिए। जी मैडम,
एक गिलास पानी मिलेगा, प्यास लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं भैया, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए भैया, आप पानी पी लीजिए। ये लीजिए मैम, आपके रिसिप्ट। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। पर सर मैंने तो अभी आपके एजेंट को पेमेंट करी है, आप एक बार चेक करिए। नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, अभी मेरी वाइफ का कॉल आया था, वो कह रही थी कि आपकी कंपनी से कोई एजेंट गया है ईएमआई लेने, तो मैंने उसको पे करी है। पर सर मैं तो सच ही बोलूँगा ना, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने तो पे करे हैं। अच्छा ठीक है, आपको यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम करिए, आप अपने एजेंट को कॉल करिए, सब पता लग जाएगा। ठीक है सर, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब कन्फर्म करके आपको कॉल करता हूँ। हाँ कपिल बोलो। सुनो वो जो एजेंट आया था वो अभी गया या है तुम्हारे पास अभी? नहीं वो तो कब का चला गया। अरे यार मेरे को कंपनी से फोन आया था कि उनकी पेमेंट क्लियर नहीं हुई है, शायद हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, तुम एक बार जरा बाहर जाके चेक करो वो है या नहीं। शिट, अब एक सेकंड दो, मैं ना बाहर जाके चेक करती हूँ, क्या पता बाहर ही हो कहीं। वेट कपिल वो तो यहाँ नहीं है, मुझे लगता है वो चला गया है यार। शिट, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अच्छा सुनो सुनो, उसने तुम्हें अपना आईडी कार्ड दिखाया था क्या? हाँ उसने मुझे आने के बाद आईडी तो दिखाई थी यार, मैंने ध्यान से देखी भी नहीं, शायद क्या पता नहीं भी दिखाई थी, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं इतनी डम हूँ ना, मैं अपना क्या करूँ। और रिसिप्ट, रिसिप्ट तो दी होगी ना उसने पेमेंट की? नहीं कपिल, मैंने तो रिसिप्ट खोल के भी नहीं देखी, उसने मुझे रिसिप्ट दी उसके बाद वो लेके मैं अंदर चली गई, मुझे लगा कि रियली होगी जब फाइनेंस कंपनी से आया, तो मैं क्या करूँ। साक्षी तुम्हारी वजह से आज कितना बड़ा लॉस हो गया हमें, वो फ्रॉड करके चला गया हमारे साथ, अब पता नहीं हम क्या करेंगे यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यार सिर्फ मेरी अकेले की गलती थोड़ी ना है, तुम्हारी भी तो गलती है ना, तुमने भी एक बार भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं समझी, फटाफट उसे पेमेंट कर दी। यार मैं कुछ भी बोलूंगी तो कर थोड़ी ना दोगे, तुम्हें पता है ना नहीं चलता दिमाग, तुम एक बार देख लेते कौन है कौन नहीं, अब क्या करें। यार तुमने बोला पेमेंट करने के लिए, मैंने कर दिया, अब इसमें भी मेरी गलती है क्या? छोड़ो अब देखते हैं कुछ। ठीक है तुम काम से फ्री होके जल्दी घर पे आओ, फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी मैडम, कहीं आप मुझे तो नहीं ढूंढ रही हैं? आपको पता आप मेरी बातों में क्यों आ गए? क्योंकि आपको ये लगा कि मेरी बात मानने में ही आपका नुकसान नहीं है। कस्टमर ऐसे होते हैं मैडम, दो चार पैसे बचाने के लिए खुद के साथ तो गलत करते ही करते हैं, कंपनी के साथ भी गलत करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं बजाज का ही एजेंट हूँ, हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ऐसे कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ही कंपनी के एजेंट को कस्टमर के घर भेजते हैं और ऐसा छोटा सा नाटक करने के लिए कहते हैं, जैसे कि आज मैं खुद आया ये नाटक करने के लिए। बट डोंट वरी, आपके पैसे मैं आपके हस्बैंड को रिटर्न कर चुका हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले नीचे आकर मैंने ही उनको कॉल किया था ये कहकर कि कोई पैसे वैसे नहीं आए, ताकि आप लोगों को सबक मिल सके। मैडम आपने मुझे तो पैसे दे दिए ये सोचकर कि आपके 800 रुपये बच जाएंगे, मगर कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो पैसे देते ही नहीं है, वो ईएमआई पूरा पूरा अपने पास रख लेते हैं, जिससे वो अपना सिविल बेकार करते हैं, अपने साथ गलत करते हैं, धोखा देते हैं और हमारी कंपनी के साथ भी गलत करते हैं। तो मैडम मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे से ध्यान रखना, कोई भी अगर आप चीज़ फाइनेंस करवाते हो तो डायरेक्ट कंपनी में जाकर ही ईएमआई पे करिए, ठीक है, और ऐसे लालच मत आना। और हाँ अब आप पूरी अमाउंट पेनल्टी के साथ पे करना, ओके।